लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री हरि भगवान विष्णु की जय, महालक्ष्मी देवी की जय। वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है सप्तऋषियों। श्री हरि, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। प्रभु, हम आपकी सेवा में एक विशेष निवेदन के लिए उपस्थित हुए हैं। आप आगे कीजिए वशिष्ठ ऋषि, विष्णु भक्त होने के साथ साथ आप हमारे पूज्य भी हैं। प्रभु, आपको तो पता ही है कि एक बार आपसे पराजित होकर भागा हुआ राक्षसपति सुमाली चुप नहीं बैठा है। सुमाली ने देवताओं और ऋषि मुनियों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचाया था, यह तो आपको ज्ञात ही होगा भगवन। हाँ, हमसे कुछ भी छिपा नहीं है ऋषिवर। सुमाली ने अपनी पुत्री को विश्ववा ऋषि की पत्नी बनने के लिए प्रेरित किया और फिर उसकी संतानों ने अमरता की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रभु, केकसी की तीनों संतान रावण, कुंभकर्ण और विभीषण अपनी तपस्या में सफल हो जाएंगे। हमारे परम पिता ब्रह्मा उन्हें वरदान देने के लिए विवश हो जाएंगे। आप चिंतित क्यों होते ऋषिवर? रावण और उसके भाई अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनका वरदान पाए तो इसमें बुराई क्या है? भगवान, यदि रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया तो वो चुप नहीं बैठेगा। अपने नाना सुमाली के साथ मिलकर वो ऋषियों और देवताओं से गिन गिन कर बदला लेगा। इस अनर्थ को रोकिए प्रभु, या तो रावण की तपस्या भंग करवाइए या फिर ब्रह्मा जी को यह वरदान देने से रोकिए प्रभु। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं ऋषिवर, आप जानते हैं कि किसी भी भले या बुरे कार्य के लिए फल तो अवश्य मिलता है। रावण और उसके भाइयों को उनकी तपस्या का फल ना मिले यह कैसे हो सकता है? तो क्या आप चाहते हैं कि रावण की तपस्या सफल हो? हमारे चाहने मात्र से कुछ नहीं होता और हम वो चाह भी नहीं सकते जो होने वाला ही नहीं है। विधाता के विधान को बदलने की चिंता छोड़ दीजिए ऋषिवर, जो हो रहा है या होने वाला है उसे देखते रहिए। प्रभु सत्य कहते हैं पूज्य ऋषिवरों, जो कुछ हो रहा है उसमें जगत की भलाई ही छिपी होगी। आप एक बात क्यों भूल जाते हैं सप्तऋषियों, जब तक रावण शक्तिशाली नहीं होगा राक्षसों का उत्कर्ष कैसे होगा और राक्षसों का उत्कर्ष हुए बिना उनके विनाश का उपाय कैसे सोचा जा सकता है? अच्छा, अब समझ में आया कि आपके अगले अवतार का उद्देश्य क्या है। अब हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। हम रावण के शक्तिशाली होने और आपके अगले अवतार की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। त्रिलोकपति वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की जय। त्रिलोकपति वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की जय। त्रिलोकपति वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की जय। ब्रह्मदेव ओम ब्रह्म
प्रसन्न हो। नारायण नारायण प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। सोमाली के नाती रावण, सचमुच तुम्हारी तपस्या महान है, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है, तुम्हारी शक्ति के क्या कहने। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रावण की महान तपस्या देखने चला आया देवी। मूर्ख, मुझे गाली दे रहे हो? मैं देवी नहीं, मैं तो राक्षस पुत्री हूँ। परंतु तुम तपस्या करने के बदले हाथ में ये खड़क लेकर क्यों घूम रही हो? मैं यहाँ अपने भाइयों की तपस्या की रक्षा कर रही हूँ। भाइयों की तपस्या की रक्षा, अर्थात तुम हो रावण की बहन सुपर्णखा? तुमने कैसे जाना कि मेरा नाम सुपर्णखा है? खड़कधारिणी, तुम्हारा नाम तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी दिन रात तुम भाई बहन के नामों को जपते रहते हैं। अर्थात तुम देवताओं के भेदी बनकर हमारा भेद लेने आए हो। अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। बताओ, हमारे किस शत्रु ने तुमको यहाँ पर भेजा है? नारायण नारायण, मुझे किसी शत्रु ने नहीं भेजा। मैं तो स्वयं रावण की महान तपस्या देखने चला आया। मैं नारद हूँ, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद। तो तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, उस निश्चल और पत्थर हृदय ब्रह्मा के पुत्र, जो मेरे भाइयों की प्राण लेवा तपस्या से भी नहीं पिघलता? नारायण नारायण, मेरे पिताश्री को पत्थर हृदय ना कहो, और वे देवता नहीं महादेवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका नाम देवताओं में नहीं महादेवताओं के रूप में लिया जाता है। अब मैं समझी। क्या समझी? यही कि तुम यहाँ ब्रह्मा के भेदी बनकर आए हो ताकि मेरे भाइयों की तपस्या में विघ्न डाल सको। नहीं 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 नारायण नारायण, मैं यहाँ किसी का भेदी बनकर नहीं आया हूँ। मैं तो ये देखने आया हूँ कि यदि ब्रह्मदेव ने रावण पर प्रसन्न होकर वरदान दे भी दिया तो वे क्या करेंगे। प्रसीद ब्रह्मदेव। नहीं, तुम प्रसन्न होने वाले नहीं हो। अब मेरा धैर्य छूटता जा रहा है ब्रह्मदेव। यदि तुम मुझे वरदान नहीं दोगे तो मैं। नारायण नारायण, अगर ये रावण इसी तरह क्रोध करेगा तो मेरे पिताजी भी क्रोध हो जाएंगे। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ये कैसी तपस्या है? रावण ने अपना सर ही काट कर अग्निदेव को चढ़ा दिया। ओम ब्रह्मदेव। देखा मेरे पिताजी की कृपा का चमत्कार, तुम्हारा भाई मरकर फिर से जीवित हो गया। मेरा भाई ये चमत्कार पहले भी दिखा चुका है। तीन बार सर काट कर धड़ से जोड़ चुका है। धन्य हो रावण, धन्य हो तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा। अब तो ब्रह्मदेव को यहाँ आना ही पड़ेगा। जा कहाँ रहे हो? पहले ब्रह्मा को यहाँ भेजने का वचन दो। हा? वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नारायण नारायण, तुम कहाँ हो नारद? देखो मैं कहती हूँ, मुझे वचन दो। मैं तुम्हारी माया जाल में नहीं फंसने वाली। अब तो मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगी। नारायण नारायण, प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। सदा सुखी रहो नारद। कैसे सुखी रहूं? आपकी लीलाएं मुझे डराती रहती हैं, मुझे चौंकाती रहती हैं प्रभु। ये क्या कह रहे हो नारद? मैं तो यहीं बैठकर सृष्टि का अवलोकन कर रहा हूं, मैंने कब कोई लीला की है? तो फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अवश्य पूछो, मैंने तुम्हें कब रोका है? रावण और उसके भाइयों की तपस्या और उसकी बहन सुपर्णखा की पहरेदारी को तो आपने देखा ही होगा।
ये कैसा विचित्र प्रश्न किया तुमने नारद? सृष्टि की हर गतिविधि को देखते रहना ही तो मेरा कार्य है। मैं देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। रावण बार बार अपना सर काट कर अग्निकुंड में झोंक रहा है, क्या क्या इस बात का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? मैं देख रहा हूं कि रावण में तपस्या का कितना धैर्य शेष है। नारद, विशर्वा मुनि ने मन ही मन अपने इस पुत्र का नाम सोच रखा है, जो उन्होंने किसी को बताया नहीं है। बस उसी नाम के अनुरूप मैं रावण के धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं। क्या नाम है, मुझे भी तो बताइए। उसका रावण नाम तो अब सिद्ध होगा। कैकसी से उत्पन्न विशर्वा के बड़े पुत्र का सही नाम दशानन है। दशानन यानी दसरों वाला? हाँ नारद, बार बार सिर काट कर अग्निकुंड में समर्पित करने से रावण की शक्ति बढ़ रही है, साथ ही साथ उसके धैर्य की परीक्षा भी हो रही है। जब तक वो 10 बार सिर काट कर समर्पित नहीं करेगा, मैं उसे वरदान नहीं दे सकता। संभवतः रावण को इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वरना वो ये काम एक साथ ही कर देता। ये अच्छा ही है नारद, रावण को जितनी देरी से तपस्या का वरदान मिले उतना ही शुभ है। एक बार वरदान मिलने पर वो क्या करेगा तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक तीनों में उथल पुथल मच जाएगा। देवताओं की शक्ति घट जाएगी, राक्षसों की शक्ति बढ़ जाएगी, ऋषि मुनियों के लिए धर्म कार्य करना कठिन हो जाएगा। बस बस बस, अब और अधिक कुछ न कहो नारद। इसी कल्पना के कारण मैं रावण को बार बार वरदान देने से पहले सोच रहा हूँ। पिताश्री, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। क्या रावण, बजरंग और विष्णु के अगले अवतार में कोई संबंध है? तुम इतने अज्ञानी नहीं हो नारद कि इस संबंध को न समझ सको। रावण की शक्ति इसीलिए बढ़ रही है कि भगवान विष्णु का अवतार लेना आवश्यक हो जाए, और केसरी नंदन बजरंग का जन्म भी हुआ है विष्णु अवतार की महानता को प्रकट करने के लिए। इसलिए मुझे अब और कोई प्रश्न ना करते हुए चुपचाप इन महाशक्तियों की लीलाओं को देखते रहना होगा। नारायण नारायण। मेरी बजरंग लाला, क्या देख रहा है उधर? क्या ऐसा क्या है उधर जो तू टकटकी लगाकर देख रहा है? अच्छा तो तू सूर्य नारायण को देख रहा है। देख पुत्र, अधिक देर तक उधर ना देखना, तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। बजरंग रुक जा, पुत्र वापस आ जा। बजरंग क्या हुआ अंजना, क्या हुआ हमारे बजरंग को? देखिए ना स्वामी, बजरंग कहाँ आकाश में उड़ा जा रहा है। बजरंग रुक जा। तुम क्यों चिंता करती हो अंजना, पवन देव उसकी रक्षा करेंगे। परंतु अभी बालक है मेरा बजरंग, प्रकृति के आघातों को कैसे सह पाएगा? वह रुद्र का अवतार है अंजना, कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ऐसी लीलाएं तो हमारा बजरंग प्रतिदिन करेगा, उसने बचपन से ही चंचल स्वभाव पाया है। लाड लाड बन जानो तुमने सूरज को अंगारो, गगन की ओर उड़ चले भक्षर को निश्चय कर डारो। चमत्कार ही चमत्कार से भरो चरित्र तिहारो। नहीं तुम सा बलवान, नहीं तुम सा कोई चतुर कपीश्वर,
पालक बजरंग। कौन है आप? मैं तुम्हारा पालक पिता पवनदेव हूँ पुत्र। मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पवनदेव कहाँ है आप? मैं यही हूँ पुत्र, तुम्हारे पास। अच्छा, तो आप ही पवनदेव हैं? हाँ पुत्र, मैं ही पवनदेव हूँ। पवनदेव, पृथ्वी से मुझे सूरज लाल फल जैसा दिखाई दे रहा था, अब मुझे सात घोड़ों वाला रथ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक प्रकाश का बिंब है, वो लाल फल कहाँ गया पवनदेव? पुत्र बजरंग, लाखों योजन दूर से सूर्य देव का बिंब लाल फल जैसा ही दिखाई देता है, परंतु ये तो सूर्य देव हैं, जो अपने सात घोड़ों वाले रथ पर विश्व का भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य देव, मैंने तो इन्हें खाने का विचार किया था, अब क्या करूं? तुम अपने शक्ति से जब सूर्य देव के रथ के पास जा पहुंचे हो तो जाकर उनका अभिनंदन करो पुत्र बजरंग, क्योंकि तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जो पृथ्वी से उड़कर सूर्य देव तक जा पहुंचा है। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ? हाँ, पृथ्वीवासियों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे सूर्य के तेज और ताप को सहन कर सके। अर्थात जो भी सूर्य के पास आता है, सूर्य जो उसको जला देते हैं? हाँ पुत्र, सूर्य के ताप की बराबरी संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती। ये संसार को शक्ति और ताप देकर जीवित रखते हैं। सूर्य देव यदि पृथ्वी को अपनी किरणें ना दें तो पृथ्वीवासी शीत से ठिठुर ठिठुर कर मर जाएं। ना पृथ्वी पर वर्षा हो ना हरियाली। प्रणाम पवनदेव। अंजनी पुत्र केशरी नंदन पवन पुत्र बजरंग के साथ आपका सूर्यलोक में स्वागत है। ये बालक आपसे मिलने की इच्छा लेकर आपके पास आया है। हम जानते हैं पवनदेव, बालक बजरंग ने लाल फल समझकर हमें खाने के लिए आकाश में उड़ान भरी थी। आओ बजरंग, हमारे पास आओ। सूर्यदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस बालक को आप तक पहुंचाने आया था। आप निश्चिंत रहिए पवनदेव, संध्या होने तक ये बालक पुनः अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगा। आओ बजरंग। अच्छा लग रहा है ना बजरंग? हाँ सूर्यदेव, परंतु हम इस रथ पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? बजरंग, हम उद्याचल से नित्य अस्ताचल की ओर जाते हैं और पुनः उद्याचल की ओर लौट आते हैं। हमारी ये यात्रा निरंतर होती रहती है और हम भी कहीं नहीं रुकते। ये असुर सेनापति राहु है बजरंग, ये हमारा जन्मजात शत्रु है।